जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संदेश यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को धर्म और जाति के नाम पर गुमराह कर उनका वोट लेती है और उन्हीं के अधिकारों तथा आरक्षण पर हमला करती है। भाजपा नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ी जातियों के बच्चों को नौकरी मिले, शिक्षा हासिल करें तथा अधिकारी बने। इससे हम लोगों को सचेत रहना है। श्यामलाल पाल ने कहा कि योगी और मोदी के राज में लोकतंत्र तथा संविधान दोनों ही खतरे में हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो पिछड़ों को शिक्षा, रोजगार तथा खेती बाड़ी से भी वंचित होना पड़ेगा। हम सबको मिलकर दलितों, पिछड़ों को उनका अधिकार तथा रोजी रोटी, रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाकर पिछड़ों, दलितों तथा किसान मजदूरों को उनका हक दिलाने का काम करें। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। आज अखिलेश यादव प्रदेश के सभी जाति धर्म के सर्वमान्य नेता हैं। प्रदेश की जनता महंगाई, अत्याचार, व्यभिचार से दुखी होकर अखिलेश यादव की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। पूर्व मंत्री जानकी पाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में बहू बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रोज छेड़छाड़, बलात्कार तथा हत्याएं हो रही हैं। अखिलेश यादव द्वारा स्थापित 1090 महिला सुरक्षा की व्यवस्था को ठप कर दिया गया है। जातिगत आधार पर हाथरस की बेटी मनीषा जैसी बलात्कार व हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सपा सरकार में महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी महिला पेंशन जैसी व्यवस्थाएं की गई थी, जिनको वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है। संदेश यात्रा के सहायक सदस्य डॉक्टर लाखन सिंह पाल तथा काशीनाथ पाल ने भी संबोधित करते हुए किसानों, मजदूरों तथा व्यापारियों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए प्रदेश में जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने तथा जनहित में अखिलेश यादव की सरकार बनाने का आह्वान किया। सतीश प्रेमी के आवास पर संदेश यात्रा के अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इस देश में जुर्म और जाति के खिलाफ हम लोग किसान, नौजवान, पाल बघेल जन संदेश यात्रा लेकर के आए हैं। क्योंकि ये पिछड़ा समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी समाज कहीं ना कहीं इस देश के भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस अभियान को चालू करना चाहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के सभी धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को विकास का अवसर मिले। इसी अभियान को लेकर के समाजवादी पार्टी के काया जन संदेश यात्रा लेकर के संभल जनपद में चंदौली विधानसभा में आया। ये समझा जाए कि 2022 के चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जाति समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, वो समाजवाद के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रही है, जो कि जब भारत का संविधान ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर जातिवाद कहाँ रहेगा, मंदिर मस्जिद कहाँ रहेगा। जब देश बचेगा तो सब कुछ होगा। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर जो किसान, नौजवान, पाल, धनगर समाज की जो संदेश यात्रा यहाँ पर आई है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर जो बन करके हमारे आए हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं श्यामलाल पाल जी, आदरणीय जानकी पाल जी, और हमारे पार्टी के डॉक्टर साहब और भी साथी उनके यहाँ पर आए हैं। उन्होंने, हम लोगों ने उनके समाज में एक प्रोग्राम किया है उसमें, और उन्होंने जो अपने समाज को जागरूक करने के लिए और भी दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि 2022 में चुनाव होना है, इस सरकार की विफलताओं को लेकर के और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2012 से 17 तक रही है, जो काम किए हैं उनको जनता के बीच में पहुंचाने के लिए स्वागत किया है, और उनका पुनः हम लोग स्वागत करते हैं उनकी संदेश यात्रा का। अब यहाँ से जो जन संदेश यात्रा है, हम लोग रामपुर जाएंगे और रामपुर में जा करके भी कार्यक्रम उनके लगे हुए। ये आज पाल धनगर और ये बघेल समाज की संदेश यात्रा को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल जी अपनी टीम के साथ आए थे। कल यहाँ पर जनसभा भी हुई। संदेश यात्रा का तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने स्वागत किया।
उसी क्रम में मेरे यहाँ आज पत्रकार वार्ता थी। पत्रकार वार्ता में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पीछे विकास में या राजनीतिक गतिविधियों में पीछे रह गए, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए, बराबर लाने के लिए ये संदेश यात्रा माननीय महामंत्री, प्रदेश महामंत्री श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में आई थी, जिसका मकसद प्रदेश में सब जातियों को बराबर का समान अधिकार देना, जो पीछे रह भी गए किसी कारण पिछड़े रह गए उनको बराबरी पर लाना, ये मकसद है। और एक मकसद और है कि पिछड़ी हमारे जो जातियाँ हैं वो बीजेपी के और संघ के गुमराह करने पे आ जाती हैं, वो मंदिर मस्जिद के इशू को धर्म के और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाना चाहती हैं, उसके आगाह करने समाज को आए थे कि वो किसी के बहकाए में ना आए और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें।